parties will be counsel may file replies. Already order हुआ हुआ है जी पहले. हुआ हुआ है. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. 3 अक्टूबर कर रहे हैं. Okay. डेट बदल दीजिए. ट्यूजडे. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समाअत. मैंने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की है. अटर्नी जनरल ने भी सिंतास मुआहदे से मुतालिक मुकदमे के लिए व्याना जाना है. फरीकैन और अटर्नी जनरल को बेंच के सवालात के जवाब जमा कराने हैं. अगली समाअत तक तहरीरी दलाल जमा करा दें. हम आपस में तय कर लेंगे कि बेंच कैसे तश्कील देना है. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स. अब अगर आपको आपस में ही तरीकाकार तय करना है तो यही मेरा केस है. वकील ख्वाजा तारिक रहीम. अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त की गई थी. दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पर कोई एतराज नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा. अदालत की फरीकैन को 25 सितंबर से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत. समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई. की अदालती तारीख में पहली बार अहम केस की बराह रास्त समाअत. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस सुना. फुल कोर्ट बनाने के पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त से मंजूर. चीफ जस्टिस का एक दरख्वास्त गुजार के खुद पेश ना होने पर इजहार बरहमी. वकील को दलाइल को मुख्तसर रखने की हिदायत. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस बराह रास्त नशर करने का फैसला किया. हमें मुनासिब लगा फुल कोर्ट बनाया जाए. मुल्क 57,000 केसेस का फैसला चाहता है. चीफ जस्टिस के रिमार्क. आइन के तहफ्फुज का हल्फ उठाया है. आइन अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू होता है. सुप्रीम कोर्ट की आजादी से नहीं. आइन का आर्टिकल 184(3) इनफरादी मामलात में उलझने से रोकता है. हल्फ के मुताबिक मैं आईन और कानून के मुताबिक काम करूंगा. इस केस में सू मोटो नोटिस नहीं लिया. हम पर इतना बड़ा हमला होता तो हम कहीं मामलात पर सू मोटो ले चुके होते. मफरूजों में नहीं जाना चाहिए. एक्ट आईनी है या गैर आईनी. पूरा कानून गलत था या चंद शिके. क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 आईन से मुतसादिम है. जाति पसंद नापसंद और गैर आईनी होने में फर्क है. क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते. इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं. सिर्फ आईनों कानून के ताबे हो. मुल्क में कई मार्शल लॉ लगे. मैं इन जजमेंट के ताबे नहीं. हमारा वक्त पब्लिक मनी है. कोई कानून शरई असूलों के खिलाफ होगा तो खत्म होगा. अदालती फैसले आईन पर हावी नहीं हो सकते. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अहम रिमार्क्स. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रैकेडिक केस का भी तस्करा. रैकेडिक केस में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ. ऐसी ताकत नहीं लेना चाहूंगा जिससे मुल्क का नुकसान हो. चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. सुप्रीम कोर्ट में पहला रोज नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार. लोग इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत आते हैं. कोई खुशी से नहीं आता. आपने साइलिन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है. चीफ जस्टिस की पुलिस को दिल जमी से जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत उज्मा अहमद पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टाफ ने इस्तकबाल किया. मरियम नवाज शरीफ के जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास. कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत. नवाज शरीफ के इजलास में शिरकत पर शुरका ने खड़े होकर अपने कायद का इस्तकबाल किया. हमजा शहबाज अहसन इकबाल राना सनाउल्ला की भी इजलास में शिरकत. नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया. मरियम नवाज शरीफ के इजलास को ब्रीफिंग. 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामे साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे. मरियम नवाज.
औसत जमात है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अपने पास रखती है। हमने पाकिस्तान की ज़राए मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा करना है। जब मैं गाय था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। मुल्क में मुआशी बहरान है, पीपल्स पार्टी मुल्क के हर तबके का ख्याल रखती है। हमने माजी में मुल्क की तबाह हाल मईशत को ठीक किया, कहा पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अब नहीं, हमें साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन फिलफौर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उकाड़ा और तांदलेवाला में कारकुनों से खिताब। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी, पुलिस अफसरान के जवाब मुस्तरद। लाहौर पुलिस के अफसरान को 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करा सकते तो वर्दी उतार दें, कोई और काम करें। अदालत के रिमार्क्स, आईजी इस्लामाबाद के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, वारंट पर अमल दरामद ना कराने पर मुतलका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के पेश ना होने पर भी अदालत का बरहमी का इजहार। काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू पेश, जवाब जमा कराने पर दोनों अफसरान को शो कॉज नोटिस वापस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू ना कराने पर रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीटीआई से बच्चों की टेलीफोन पर बात ना कराना ना इंसाफी है। वकील के दलाइल, अटक जेल सुपरिटेंडेंट से खुद भी बात करूंगा। जज अबुल हसनात जुलकरनैन। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर की जानिब समाअत जल्दी रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं, आप सीनियर वकील हैं, अदालती तरीकाकार को जानते हैं, आइंदा सोमवार के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फरीकैन को नोटिस, दलाइल तलब कर लिए। बुशरा बीबी को हिरासत करने का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला पीटीए के जवाब गैर तसली बख्श करार दे दिए। दोबारा तहरीरी जवाब तलब, अदालत तहमुल का मुजाहरा करते हुए आखिरी मौका दे रही है। फरीकैन जामिर कानून के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराएं वरना वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीन के सूबे निनशा में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर्स फोरम में शिरकत। यूहाई कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीन का रवैया हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रहा, अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तआवुन को अव्वलीन फर्ज समझते हैं। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहाँ तरक्की के बेशुमार मौके मुंतजर हैं। निनशा में तआवुन और तरक्की के नए रास्ते सामने आएंगे। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। रुपए के कदर में मजीद मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी के कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता 295 रुपए पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 11 रुपए 15 पैसे कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी 298 रुपए 50 पैसे पर फरोख। डॉलर की कदर बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट्स 2 गुना हो गई। बैरूनी फंडेड चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स ज्यादा है, सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। मजीद कहा, मकामी फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट शराह में 60% इजाफा हुआ।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों मुकदमे दर्ज, कनेक्शन मुनक़ता, डिटेक्शन बेल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शियल सार्फीन के ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। मापुर रीजन में एक रोज़ में 136 बिजली चोर कानून के शिकंजे में, 98 लाख से ज्यादा जुर्माना, 57 मुकदमा दर्ज। कसूर में बिजली चोरों का लेस्को टीम पर हमला, 3 मुलाजिम जख्मी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल कर लिया। ऐलान बुध को मुतवक्के। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां ना करने पर इत्तफाक। स्पिनर इब्रार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जका अशरफ से मुलाकात करके मंजूरी लेंगे। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए 27 सितम्बर को भारत रवाना होगी। जिस तरीके से